तो गाइस लास्ट की कुछ वीडियो में हम लोग देख रहे थे ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में कि ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम ऑर्डिनो को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम लोग लेकर ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग को गए हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं, मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा हटके आज होने वाला है। तो गाइस चलिए आज वो टॉपिक मैं टच करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक्स बातें हैं जो जिनको हम लोग प्रोग्राम बनाते समय ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे हमें एरर देखने की जो प्रॉब्लम है, जो चांसेस है, वो कम मिले। तो चलिए वो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनो में जो है प्रोग्राम का जो मोटिव होता है ऑर्डिनो से हम लोगों को हेल्प लेना, यानी कि ऑर्डिनो से हेल्प लेने का कहने का मतलब है ऑर्डिनो से हम लोग कुछ काम करवाना होता है, तो उसके पिंस के थ्रू हम लोग अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी काम होता है उसको देते हैं हम लोग उसके पिन की हेल्प से। तो हम लोग पिन की हेल्प से हम लोग अपने काम को करवाते हैं, तो उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना पड़ता है, यानी कि हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि हम लोग जितने भी ऑर्डिनो में पिन है, चाहे ऑर्डिनो नैनो है, मिनी है, मेगा है, कुछ भी हो, तो उसके पिंस को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए एक जो है बेसिक सा जो तरीका है, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हैश डिफाइन से हम लोग पिन को डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पिन नंबर हम लोग पहले सबसे पहले नाम देंगे हम लोग, जैसे कि LED डिफाइन कर रहे हैं LED के लिए LED। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने LED सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है, आप लोग इसमें कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए LED, या हम लोगों को कुछ और वेरिएबल टाइप्स कुछ बनाना है डिफाइन करने के लिए, उस LED पिंस का नाम देना है, मान लीजिए हम लोग बल्ब भी दे सकते हैं, जो आप चाहें वो आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसमें नाम के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ LED। अब इसका तो हमने नाम दे दिया, अब इसमें हम लोग कौन से पिन पर हम लोग इस जो हम लोग अपने काम को करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि एनालॉग और डिजिटल के लिए हम लोग किस पार्टिकुलर काम के लिए हम लोग अलग अलग पिन्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं LED मुझे लेना है, मान लीजिए एनालॉग पिन्स को लेना है, एनालॉग पिन A0 को लेना है अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं सिंपली सा लिखूँगा 14। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा समझ जाएगा कि एनालॉग पिन A0 को हम लोग इसमें मैंने प्रोग्राम में इंक्लूड किया, डिफाइन किया। तो ये हो गया LED पिन्स को डिफाइन करने का एक तरीका जो बेसिक्स है। अब मैं एक और तरीका यूज़ करने वाला हूँ जो कि वेरिएबल बनाकर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल बनाकर इंट। अब सेम तरीके से हम लोग नाम भी दे सकते हैं इसमें LED 14। अब इसमें क्या होगा LED, आप लोग इसमें दोनों में डिफरेंस देखना, पहले मैं प्रोग्राम को LED। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले में मैंने लिखा है हैज़ डिफाइंड LED का जो भी मुझे पिन का नाम देना है वो मैंने लिखा है, उसके बाद फिर जो पिन को मैं डिफाइन करने वाला हूँ उस पिन का मैंने नंबर लिख दिया, जैसे पिन नंबर 14, यानी कि एनालॉग A0। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं LED एक वेरिएबल टाइप से हम लोगों ने पिन को डिफाइन किया, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इंटीजर वेरिएबल, मैंने इंटीजर डेटा टाइप्स लिया इंट, सेम नाम दिया है LED, इक्वल टू आपका साइन दिया मैंने उसमें आप लोग ऊपर वाले में देख सकते हैं, उसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, नीचे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग वेरिएबल टाइप अगर पिन को डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर जैसे हम लोगों को पिन लिखना है वैसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं मैंने सेमी कोलोन लगाया, ये हो गया इसका प्रोटोकॉल कुछ जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का। अब गाइज यहाँ हम लोगों ने जो ऊपर में पिन डिफाइन कर लिया दो टाइप से, तो मैं एक को कमेंट लाइन कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
जैसे कि लास्ट की वीडियो में, रिसेंट वाले वीडियो में मैंने बताया था लाइब्रेरी फंक्शंस। तो अगर हम लोगों को लाइब्रेरी यूज़ करना है, एज एग्जांपल मान लीजिए लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, एलसीडी डिस्प्ले को, तो हम लोगों को लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी जो हम लोग जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके नाम को हम लोगों को पहले इंक्लूड करना होता है लाइब्रेरी को उसको। तो इंक्लूड करने का मैंने दो तरीका बताया था लास्ट की वीडियो में। तो चलिए दोनों तरीके को हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हम लोग सिंपली सा इसमें भी हैश लिखते हैं। अब इसमें डिफाइन नहीं लिखेंगे लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, इसमें हम लोग लिखेंगे हैश हैश इंक्लूड। अब हम लोग देंगे एंगल ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए मुझे लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी का यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सा लिखेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मुझे मैंने लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी का यूज़ करना है इस प्रोग्राम में। तो मैं सिंपली सा यहाँ पे उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग नाम दे सकते हैं। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, एंगल ब्रैकेट है और इसको हम लोग कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे डबल कोट्स के अंदर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए हैश इंक्लूड। अब सेम नाम हम लोग यूज़ करेंगे, सेम लाइब्रेरी लिक्विड क्रिस्टल। हम लोग इसको दो टाइप से हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया पिन डेफिनेशन और लाइब्रेरी इंक्लूड। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए आप लोगों को हम लोगों को डिफ़ॉल्ट में मिलता है वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, ये दो टाइप्स के फंक्शन हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोगों को कोई भी पिन डेफिनेशन चाहिए, मतलब पिन डेफिनेशन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में या फिर लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसको हम लोग किसी भी फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं या इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, ये दो टाइप्स अलग अलग टाइप्स के फंक्शन हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मौजूद हैं, तो इससे बाहर हम लोगों को डिफाइन और इंक्लूड करना है। तो इस बात को इन बातों को आप लोग अपने ध्यान में रखें प्रोग्राम बनाते समय। अब जो नेक्स्ट है हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं वाइड सेटअप एंड वाइड लूप, ये क्या होते हैं गाइस। अगर हम लोग वाइड सेटअप एंड लूप फंक्शन को अपने प्रोग्राम में देना भूल जाते हैं गलती से, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। अगर हम लोग इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, सेटअप एंड लूप को लिखेंगे नहीं अपने प्रोग्राम में, तब तक हम लोग को एरर मिलता रहेगा। तो इसका क्या काम है, इसका मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले की वीडियो में मैंने समझाया है कि वॉइड सेटअप का क्या काम है, वॉइड लूप का क्या काम है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। आप लोग ऊपर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिन डिफाइन किया है, यानी कि एनालॉग A0 को, यानी कि पिन नंबर 14 को डिफाइन किया मैंने आउटपुट के लिए। LED आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अब इसको मुझे आर्डिनो प्रोग्राम को बताना है कि ये क्या रहेगा, किस मोड में रहेगा, इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। इसको बताने के लिए हम लोग वाइड सेटअप के अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो हम लोग वाइड सेटअप के अंदर हम अपने प्रोग्राम को बताएंगे कि ये जो पिन हम लोगों ने ऊपर में डिफाइन किया है ये क्या रहेगा, इनपुट या आउटपुट रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं, इसको लिखने का प्रोटोकॉल कुछ इस टाइप से है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं PIN मोड का जो M मैंने कैपिटल दिया, इसको जो लिखने का जो प्रोटोकॉल है कुछ इस टाइप से होता है। अब इसमें हम लोग पैरेंथिस के अंदर लिखते हैं जो हम लोगों ने ऊपर में नाम दिया है पिन का, मान लीजिए LED मैंने नाम दिया, तो सेम नाम यहाँ पे लिखेंगे LED। कॉमा देने के बाद हम लोग स्पेस भी देख सकते हैं और स्पेस नहीं भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं LED को आउटपुट कराना चाहता हूँ, आउटपुट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं LED कॉमा आउटपुट, यहाँ सब मैंने कैपिटल में लिखा। अगर इसमें से कोई भी एक लेटर स्मॉल में हो जाएगा तो इसका जो सिंटैक्स हाईलाइटिंग है वो हट जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पता लग सकता है कि मेरे प्रोग्राम में कहाँ गड़बड़ी है। तो यहाँ से मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। इसका जो लिखने का प्रोटोकॉल है, इनपुट और आउटपुट हम लोग पूरे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब उसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देते हैं सेमी कोलोन, सेमी कोलोन से प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। तो ये हो गया गाइस वाइड सेटअप के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, किस लाइन को डिफाइन करते हैं। और इसका एक मतलब और निकलता है, वाइड सेटअप के अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम को लिखते हैं वो एक टाइम के लिए रन होता है। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को
ऑर्डिनो में अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग अपने ऑर्डिनो में पावर देते हैं, एक बार वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर हम लोगों को लूप में प्रोग्राम को रन कराना है, मान लीजिए बार बार रन कराना है, सिर्फ एक बार हम लोग प्रोग्राम को अपलोड करें, बार बार रन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉइड लूप। आप लोग नीचे में देख सकते हैं वॉइड लूप फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन में हम लोग, इस फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखेंगे हम लोग, सब हम लोगों को लूप में मिलेगा, यानी कि रिपीटेडली रन होता रहेगा, बार बार रन होगा जब तक कि हम लोग ऑर्डिनो से पावर ऑफ नहीं कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम लोगों ने ऊपर में एलईडी पिन डिफाइन किया है, उसके अंदर हम लोग वाइड सेटअप के अंदर हम लोगों ने आउटपुट इसको बताया कि इसका मोड जो है आउटपुट रहेगा। अब हम लोगों को एलईडी उस पिन नंबर 14 को ब्लिंक कराना है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एनालॉग पिन हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पे डिजिटल राइट नहीं होगा, यहाँ पे एनालॉग राइट एलईडी हाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनालॉग राइट प्री डिफाइंड फंक्शंस का मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब सेम नाम हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर देंगे एलईडी कॉमा हाई, यानी कि एलईडी ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिले फंक्शन का यूज़ करेंगे, डिले 1000, यानी कि 1000 कहने का मतलब एक सेकंड। अगर यहाँ पे हम लोग एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं तो 10 सेकंड हो जाएगा, एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे तो 100 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे दे सकते हैं। आगे आप लोग अपने प्रोग्राम में जब खुद से प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, तब इसमें और अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया वाइड सेटअप एंड वाइड लूप। अब फोर्थ नंबर पर हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर पर क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन किया, मतलब बहुत सारे फंक्शंस बनाए अपने प्रोग्राम में। एग्जांपल के तौर पे वाइड सेटअप वाइड लूप से ही लेते हैं, तो इसको लिखने का प्रोटोकॉल है हम लोग देते हैं, इसका डेटा टाइप वाइड है। अब उसके बाद हम लोग सेटअप लिखते हैं वाइड सेटअप। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस देते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। हम लोग यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस नहीं भी दे सकते हैं। अब इसके बाद से ही हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने लाइंस ऑफ कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट को लिखने या प्रोग्राम में देने का दो तरीका होता है। हम लोग पैरेंथेसिस के बाद ही कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं, और इसको हम लोग प्रोग्राम के जस्ट नीचे इंटर देकर भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट को दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में कर्ली ब्रैकेट को नीचे दे रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से एरर आ सकता है अपने प्रोग्राम में। तो गाइस ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग कहीं से भी कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं। हम लोग वाइड सेट फंक्शन डेफिनेशन के बाद से ही दे सकते हैं, या इंटर देकर हम लोग नीचे से ही दे सकते हैं, तो इसमें कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। तो गाइस आज के लिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेमी कोलोन हाई लो इनपुट आउटपुट, ये क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है जैसे कि पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट, यह क्या हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे प्रोग्राम में, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम लोगों को मिला है यूज़ करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया एलईडी कॉमा आउटपुट, यानी कि हम लोग को मोड बताना है अपने प्रोग्राम में कि ऊपर में जो हम लोगों ने जो पिन डिफाइन किया है, पिन नंबर 14 एलईडी नाम का, उसको हम लोग क्या रखना चाहते हैं, इनपुट होगा या आउटपुट होगा। इनपुट का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो इनपुट में हम लोग स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अपने वॉइस सेटअप के अंदर पिन मोड के अंदर हम लोग इनपुट लिखते हैं, और अगर हम लोगों को आउटपुट के लिए चाहिए एग्जांपल के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, LEDs हो गया, और भी बहुत सारे जैसे कि फैन को कंट्रोल करना है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो हम लोगों का कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए हम लोग आउटपुट यूज़ करते हैं। तो गाइज ये था इनपुट आउटपुट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेमी कोलोन। सेमी कोलोन क्या होता है, सेमी कोलोन आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने हर लाइन्स स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलोन लगाया। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ऑर्डिनो C++ प्रोग्रामिंग में हम लोगों को हर एक जो फंक्शंस के अंदर हर एक लाइन्स को टर्मिनेट करना होता है, हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं सेमी कोलोन से। मतलब कि इसका जो पिन मोड आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मैंने प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ किया है पिन मोड,
अब इसके अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखना था मैंने लिख दिया, वैल्यू इनपुट आउटपुट जो भी है उसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हम लोग सेमी कोलन भूल जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे डिले फंक्शन के आगे सेमी कोलन लगाना भूल गया था, तो इसमें मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो आप लोगों को डायग्नोसिस में आप लोगों को बता देगा कि कहाँ पे जो है हमें एरर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एरर देखने को एरर डायग्नोसिस में मिलता नहीं है कि हमारे हमसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैन्युअली खोजना पड़ता है कि कहाँ से हमें गलती हुई है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोगों को लाइन बाय लाइन कोड को देखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग कोड लिखते समय ही आप लोग ध्यान दें कि हम लोग कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हाई एंड लो। हाई एंड लो में क्या होता है, इस लाइन को मैं पूरा कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट में है हाई और लो को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एनालॉग राइट एलईडी हाई। हाई का मतलब क्या हुआ कि एलईडी को हम लोगों को ग्लो कराना है, यानी कि एलईडी ऑन कराना है। तो इसके लिए हम लोग हाई का यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें जो जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्डिनो में, तो उसमें हम लोगों को प्लस वोल्टेज देना है, इसका मतलब होता है हाई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोगों ने एलईडी कनेक्ट किया पिन नंबर 14 पे, उसको ग्लो कराने के लिए हम लोगों को कुछ वोल्टेज जो है प्रोवाइड करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो हम लोग हाई लिखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इससे प्रोग्राम समझ जाएगा कि हम लोगों को प्रोग्राम को किस टाइम उसको ऑर्डिनो में जो पिन नंबर 14 पे एलईडी है उसको किस टाइम पे उसे ऑन करना है, किस टाइम पे ऑफ करना है। तो हाई के लिए हम लोग ऑन करने के लिए हम लोग हाई यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोगों ने हाई कर दिया, अब इसको लो करना है यानी कि एलईडी को ऑफ करना है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे एनालॉग राइट एलईडी कॉमा लो। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस कि जो हमारा जो एलईडी है हाई हो गया था, उसके बाद डिले 1000 मिली सेकेंड यानी कि एक सेकंड के लिए एलईडी ऑन होगा, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा। तो गाइज ये जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम है लूप में चलता रहेगा। तो गाइज ये जो प्रोग्राम है, इससे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को अपने प्रोग्राम बनाते समय कैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हम लोग बहुत सारे लाइन्स को हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो ध्यान में रहता है कि ये क्या करेगा, हम लोग बाद में भूल जाते हैं। 1 से 2 महीना बाद या 2 से 3 दिन के बाद अगर दोबारा हम लोग प्रोग्राम को उसको देखते हैं, प्रोग्राम वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसको हम लोग भूल जाते हैं कि कौन से लाइन में हम लोगों ने क्या लिखा था। तो इसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। अब गाइस मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ इस बात को, कमेंट हम लोग 2 टाइप्स के से लिखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऊपर में कमेंट को लिखने का फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद एस्ट्रिक्स देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग अपने कमेंट को लिख सकते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले एस्ट्रिक्स देंगे, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हम लोग इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इसके बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे ये सब कमेंट लाइन में जाएगा, ये हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। अगला तरीका है कमेंट को लिखने का, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हम लोग कमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो गाइज ये थे कुछ बेसिक, तो हम लोग अपने प्रोग्राम में फॉलो करें तो हम लोग एरर से कुछ ज़्यादा चांस है कि हम लोग अपने एरर से बच सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।